सबको नमस्कार करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि भाई यशपाल जी को आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, बहुत दिन हो गए इन्हें संघर्ष करते हुए, हमारी लड़ाई लड़ते हुए। जितना मुझे इसके बारे में जानकारी है कि 1953 में जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उन्हें आरक्षण दिया गया और हमारे संविधान में भी इनके लिए प्रावधान किया गया। उसी समय काका कालेलकर के अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया गया और कमीशन को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया, लेकिन कमीशन को रिपोर्ट देने में कोई देर हुई और वो 10 साल तक संसद में नहीं रखा गया। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि इनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। जहां तक मेरा सवाल है, पार्टी का सवाल नहीं है, मैं आप लोगों से, क्योंकि समय कम है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था आज, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए विधानसभा में हम बैठे हैं, लेकिन विधानसभा में हमारी औकात क्या है हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत कम है और सारी पार्टियां भी जानती है कि हम आपस में लड़ते हैं, हम आपस में कटते हैं। हमें एकता दिखानी पड़ेगी और सब कोई भी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई पार्टी का मतलब नहीं है। हमें इस आरक्षण की लड़ाई को सबको साथ लड़ना है। इसके लिए मैं पहले भी, भाई यशपाल जी जवाब देंगे इस बात का, मैं पहले भी साथ रहा हूँ हमेशा और आगे भी वायदा करता हूँ। ये वो भी जानते हैं कि किसी पार्टी में ज्वाइन कर रखी है और मैंने बीजेपी में हूँ, मैं तो पार्टी के दायरे में रहना पड़ता, लेकिन उस दायरे को भी छोड़ सकता हूँ एक बार को आपके लिए। और अगर ये जो भी आदेश करेंगे मेरे कपड़े बचते हुए, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा लिहाज रखना पड़ता है ये पार्टी का भी, मैं हर समय तैयार हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर बिरादरी की कोई बात आ गई तो हर सूरत में हर किस्म तैयार हूँ। और शासन में मैं एक बात देखो और कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात कहनी पड़ेगी, अलग बारिश हो रही है मेरी एक बहुत बड़ी, मुझे भी 27 साल राजनीति करते हो गए तो मुझे भी बहुत जानकारी होगी बिरादरी के बारे में। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि जिनके बच्चे नौकरी कर रहे हैं, जिनके अधिकारी हैं हमारे परिवार में, उनको समझाइए आप लोग, हम में एकता होनी चाहिए। अगर एक अधिकारी किसी बिरादरी का आज मुरादाबाद में किले में आता तो उस बिरादरी के लोग दुखी नहीं रहते, इतना सपोर्ट करता अब उन्हें कि हर तक सपोर्ट करता। और हमारी बिरादरी में थोड़ी सी कमी है कि जितने अधिकारी बैठे हैं उनमें बहुत खेल करते हैं, वो अपनी बिरादरी को सपोर्ट नहीं करते। मैं साफ बात कह रहा हूँ, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और विधायक को पूरा इस्तेमाल करते हैं और उस समय ये नहीं सोचते कि ये विधायक है हमारी बिरादरी का, कल को इसे फिर विधायक बनाना, इसके हित के काम करना नहीं। इस समय पैसा कमा लो, इस समय अपना काम कर लो और जब विधायक उनकी थोड़ी बहुत चुटकी लेगा ना तो बिरादरी के 10 आदमी और लोग अगर मेरे रिश्तेदार ला के बैठा देंगे, भैया हम तो तेरी बिरादरी के। तो हमारा बहुत बड़ा ऊपर भी इस कमजोरी इसलिए कि वो जानते हैं कि हम आपस में कटते हैं और हमें बिरादरी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमें बिरादरी बात पैदा करना पड़ेगा, जब सारी बिरादरी में बिरादरी है तो बिरादरी बात हमें पैदा करना पड़ेगा, अपनी बिरादरी को सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे हम नेतागर्दी करते हो, चाहे हम नौकरी करते हो और चाहे हम कोई व्यापार करते हो।